हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास है TVS राइडर 125 और ABS6 वेरिएंट का गाड़ी है। और इसमें जो सर्विस करने के बावजूद ये जो सर्विस रिमाइंडर होता है, जो सर्विस का सिग्नल होता है, आपको दिखाई दे रहा है ये सिग्नल बंद होना चाहिए सर्विस करने के बाद, और ये बंद नहीं हो रहा है। तो ये कैसे करना है आज इस वीडियो के जरिए से वही देखने जा रहा हूँ। जो दोस्त काम सीख रहा है, जिसके पास बाइक है, वो दोस्त पूरा वीडियो देखिए। आपका बाइक के साथ भी इसी तरह हो रहा है, सर्विस करने के बावजूद जो सर्विस रिमाइंडर ये बंद नहीं हो रहा है, तो कैसे करना है। तो आइए, ये 2 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। अभी दोस्तों स्पीडोमीटर में 2 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मूड और एक सेट बटन। ये दोनों बटन तो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट मेरे को ये मूड बटन दबाना है, और इसमें देखिए चेंज हो रहा है मूड बटन से। देखिए ये TRIP 1 आया है, अभी TRIP A आया है, और इसमें TRIP B आएगा। TRIP B आने पर आ गया है, उस टाइम आपको ये इग्निशन को ऑफ करना है, और ऑफ करके ये दोनों बटन को एक साथ दबाना है 15 सेकंड के लिए। देखिए ये दबाने का काम हो रहा है, उसके बाद इग्निशन को ऑन करना है और ये बटन नहीं छोड़ना है। देखिए और भी 15 सेकंड चाहिए। देखिए ये रिमूव हो चुका है, फिर से ऑफ करके आपको देखना चाहता हूँ। देखिए दोस्त, ये जो सर्विस रिमाइंडर ये रिमूव हो चुका है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो जरूरी अच्छा लगा होगा। जितने बस, ओके बाय।